वेलकम अंजुम के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश खुश होंगे। तो चलिए, आलूओं को देख के तो आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ मजेदार सा नाश्ता आज आलू का तैयार होने वाला है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज बॉल्स, जो कि बहुत ही मजेदार बनते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 3 अदद आलू को अच्छी तरीके से उबाल लिया और अब ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हम इसे मैश कर रहे हैं। खूब अच्छी तरीके से इसे मैश कर लीजिए। तो ये देखिए, हमने खूब अच्छी तरीके से इसे मैश कर लिया। इसमें कोई भी टुकड़ा या मोटा सा बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि बॉल्स बनना है तो बिल्कुल भी चिकना होना चाहिए आपके जो है आलू। तो ये देखिए, खूब अच्छे से हो गया। चलिए अब इसमें हम ऐड करते हैं जल्दी जल्दी से मजेदार सी चीजें। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 टीस्पून बारीक कटी हुई कैप्सिकम, जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने प्याज को बारीक कट कर लिया है, वो भी हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून। ये चला गया। यहाँ पे हम डाल रहे हैं अब हरा धनिया, जिसे हमने बारीक कट करके रखा है। तो ये भी चला गया। ये थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं ताकि खुशबू बहुत प्यारी सी आ जाए। सारी चीजें चली गई। चलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इससे जायका बहुत अच्छा आता है, इसे थोड़ा सा ज्यादा ही डालें आप। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब मिक्स हर्ब, आपके पास ओरिगिनो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम मिक्स हर्ब डाल रहे हैं, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्च, ये भी हम 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। 1 टीस्पून चली गई कुटी हुई मिर्च, मतलब चिली फ्लेक्स। ये सब चीजें हो गई। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं हस्ब जायका नमक। आलू को जब उबाला था हमने, उस वक्त भी इसमें हमने डाला था नमक, और आगे जाके चीज हम इसमें ऐड होने वाली है, क्योंकि ये चीज बॉल्स हैं तो उसमें भी नमक होता है, तो आप थोड़ा नमक को देख के डालें। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक। यहाँ पर हमने लिया है प्रोसेस चीज, जो कि अमूल की है। इसे हम थोड़ा सा ग्रेट करके यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि इससे भी मजा बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाएगा। तो ये लिए हमने थोड़ा सा ये भी डाल दिया, बस काफी है इतनी, क्योंकि ये चीज बॉल है तो समझिए आप, हमने ये जो प्रोसेस चीज है ये हमने 1/2 कप के करीब इसमें डाला है। चलिए अब जल्दी से हाथों की मदद लेते हुए इसे हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फोक या किसी स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो इतने अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमने खूब अच्छे से मिला दिया। अब इसमें हम 2 चीजें ऐड करने वाले हैं, ताकि बिल्कुल भी आप बेफिक्र होकर इसके बॉल्स बना सकें। 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। अब फिर से एक बार अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे, तो आप इसे खूब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपको डर नहीं रहेगा कि टूटेगा। लीजिए, हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ से हम लेंगे एक थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन, आपको जितने बड़े बनाना है आपके ऊपर है। इस तरीके से हथेली पे उसे फैलाइए। फैलाने के बाद हमने यहाँ पर क्यूब्स करके रख लिया है, ये रख देंगे इसके, और फिर इसे अच्छी तरीके से हम सील कर देंगे, क्योंकि तलने के वक्त बाहर ना आए। तो ये देखिए, अच्छे से सील हो गया ये। अब इसका हम बना लेते हैं गोला। तो इसी तरीके से हम सारे गोले बना लेंगे। ये देखिए, एक ले लेते हैं पोर्शन, हम उसे हाथ पे इस तरीके से चपटा करते हैं, थोड़ा सा तेल को टच कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने मोजरेला चीज को इस तरह से ब्लॉक्स में काट लिया है, क्यूब्स में, और इसे हम सील कर देंगे। पहले ऐसे सील कर देते हैं, और सील करके इसका हम गोला सा बना लेते हैं। खूब अच्छी तरीके से आप इसे गोल करिएगा, ताकि जिस वक्त हम फ्राई करेंगे तो ये जो मोजरेला चीज है बाहर ना आए। तो देखिए, ये बन गए हमारे, बस इसी तरीके से हम सब बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे जो चीज बॉल हैं बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड रखता है, आप 3 लें 4 लें, आपको इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के उसकी स्लरी बना लेना है। और यहाँ पर हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, आप घर में भी बना सकते हैं, ये हमारे रेडीमेड वाले हैं। तो चलिए उठाते हैं एक चीज बॉल को और इसमें डालते हैं, और डालने के बाद उसे इस तरीके से यहाँ पे कोट कर देते हैं, ताकि सब तरफ से जो है आलू वो कोट हो जाए, और फ्राई होने के टाइम ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये हो गया, अब इसे डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स में। अच्छा, अब इसे हम कर देते हैं अच्छी तरीके से कोट।
हो गया अच्छी तरीके से कोट, इसे हम रख देते हैं। बस इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं और इससे भी सेम प्रोसेस से कोट कर लेते हैं। ये हो गया, इसे भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो बस सारों को हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे से चीज बॉल बिल्कुल भी बनके तैयार है। चलिए चलते हैं इन्हें फ्राई करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी कढ़ाई रख दिया है और इसमें हमने काफी सारा ऑयल भी डाल दिया है और ये गर्म हो गया है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि अच्छे से गर्म रहना चाहिए आपका जो तेल है, अगर वो थोड़ा सा भी गर्म नहीं रहा तो फिर ये टूटने लग जाते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ज्यादा ओवर क्राउडेड मत करिए और तीन तीन चार चार ही डालिए और कम से कम थोड़ी देर तक, जब तक नीचे की जो साइड है वो लाल ना हो, आप इसे टर्न मत करिए। तो ये हो गई है, इसे हम टर्न कर देते हैं। हाई फ्लेम पर ही हम पका रहे हैं, आप इसे लो मत करिएगा, लो करने से फिर ये टूटने लग जाएंगे। तो ये देखिए खूब अच्छे से लाल हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। लीजिए बहुत ही प्यारे से पोटैटो चीज बॉल रेडी हैं। एक हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और ये देखिए कैसा प्यारा सा लग रहा है ये, कि अभी खा लें इसे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे से मजेदार से, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे कि मुंह में बिल्कुल भी घुल जा रहे हैं, एकदम चीजी चीजी से हमारे पोटैटो चीज बॉल रेडी हैं। दोस्तों आप भी इसे बनाइए और मजा उठाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं, जरूर जरूर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।